सो गुड मॉर्निंग गाइस, कल मेरा शो है चंडीगढ़ में और मुझे निकलना है आज, तो रेडी हो गया हूँ मैं और सीधा जाता हूँ स्कूल और स्कूल जाके मिलता हूँ आपसे, क्योंकि अभी जो प्लान आउट जो भी सब कुछ मैंने किया हुआ है बहुत जल्दबाजी में किया हुआ है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं सीधा सामान वगैरह लेके जा रहा हूँ स्कूल पर ही, फिर बाकी बात बताता हूँ आपको आगे वीडियो में। सो ऑलराइट गाइस, स्कूल तो मैं पहुँच गया हूँ और सामान भी मैंने यहीं पर रख दिया, प्रोसेसर वगैरह साथ ही ले आया था, यहीं से चला जाऊँगा। अभी मुझे ट्रेन का भी देखना है कि वो रुद्रपुर रुकती है कि नहीं रुकती है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। पिछली बार जब लोग मैं चंडीगढ़ गया था, आपने व्लॉग में देखा हुआ, तो हम लोग लाल कुआं से बैठे थे, बट आज मुझे रुद्रपुर से ही बैठना है क्योंकि मेरी क्लासेस भी हैं 5 बजे तक, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि कैसे जाना है क्या जाना है। एक मन तो कर रहा है कि बाइक से निकल जाऊँ और फिर आज एक स्टॉप ले लूँ नजीमाबाद या हरिद्वार या रुड़की फ्रेंड के पास, फिर कल सुबह निकल जाऊँ, क्योंकि कल मेरे हिसाब से 2-3 बजे गिग है और मैं अगर ट्रेन में जाता हूँ तो वो मुझे 7-8 बजे छोड़ देगी, फिर मैं क्या करूँगा इतने बजे। तो अभी डिसाइड नहीं किया है, बहुत हैक्टिक हो गया है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है कैसे करना है, तो आगे वीडियो में जैसा भी होगा प्लान के साथ साथ बताता रहूँगा। मिलते हैं, बाय। सो भाई, मैं निकला था अपनी पुरानी गाड़ी लेके आज और देखो DPS पहुंच गया हूँ। सबसे तगड़ी बात पता है क्या है इसकी भाई, मैं 2:05 पे निकला था और 2:35 पे मैं बेल बाबा मंदिर DPS के पास पहुंच गया हूँ इस गाड़ी से। इतनी तगड़ी गाड़ी है ना ये, ZMR पुरानी वाली, मतलब 2013 मॉडल है, बहुत तगड़ी, बहुत मस्त भाग रही है। और आज मैं दिखाता हूँ आपको, जो भी स्कूल में बच्चे हैं अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो पूछ रहे थे कि सौरभ जोशी का घर कहाँ है, तो ये DPS स्कूल है। DPS स्कूल से सिर्फ मुश्किल 2 किलोमीटर है, वहाँ पे ओलिविया कॉलोनी है और ये गेट है, तो यहाँ रहता है सौरभ जोशी। अगर वीडियो देख रहे हो, अगर मेरे स्कूल के बच्चे जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, देख लो भाई, यहाँ पर है उसका घर, अब मत पूछना मुझसे बार बार, ठीक है। ये गेट है उसका, स्लो करके दिखा दिया मैंने वीडियो। सो ऑलराइट गाइस, मैं आ गया हूँ वापसी घर। रीज़न ये था कि डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था जाना कैसे है। दूसरा चीज़ प्रॉब्लम ये हो गई, जिस ट्रेन से हमें जाना था वो लालकों से तो चलती है बट वो रुद्रपुर ही नहीं आती है, प्रॉब्लम ये हो गया था पहला चीज़। और मुझे लगा वो रुद्रपुर आती है बट वो वहाँ से बाजपुर चली जाती है, तो ये मुझे बाजपुर जाना पड़ता और फिर या तो फिर काशीपुर जाना पड़ता, दोनों में से एक जगह, तो ये प्रॉब्लम आई, इसलिए मैं घर आया। अभी मैंने डिनर वगैरह कर लिया है, टाइम हो रहा है 8:30, तो निकलता हूँ और सीधे वही वाली गाड़ी पकड़ूँगा जो चंडीगढ़ वाले गिग व्लॉग में आपको दिखाई दी। नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो जाके देख लो, और मिलता हूँ सीधे स्टेशन जाके, ठीक है। तो घर आना पड़ा, बहुत हेक्टिक हो गया था, क्लासेस भी थी आज, क्लासेस फिनिश करी, फिर मैं अराउंड 6:00 पहुँचा यहाँ पर, तो मिलते हैं आगे जाके, फिर बाकी बातें आगे। सो ऑलराइट गाइस, पहुंच चुका हूं मैं हल्द्वानी रेलवे स्टेशन और यहां से चंडीगढ़ वाली सेम ट्रेन लेनी है जो हमने व्लॉग में दिखाई थी चंडीगढ़ जाने वाले। नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाके चेक करो और मुझे बताओ कैसा लगा। और हमारे आज सफ़र का साथी है ये, नेक पिलो रेस्ट, वाओ, तो आज मज़ा आने वाला है। ज़्यादा कुछ सामान नहीं ले जा रहा हूँ, एक प्रोसेसर ले जा रहा हूँ और एक गिटार ले जा रहा हूँ, प्रोसेसर के बारे में आज कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कौन सा प्रोसेसर है, क्या चीज़ है, सारी डिटेल दे देंगे इसमें, और गिटार भी बता दूंगा मैं कौन सा सीरीज़ है। तो मिलते हैं जल्दी से। तो गाइस, अभी बैठे बैठे मुझे एक चीज़ ध्यान में आई, आप लोग भी बताओ क्या आपने नोटिस किया है ये चीज़, कि जब जब भी किसी भी सिटी में, चाहे वो कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी हो या फिर कोई छोटा सा शहर भी हो, तो उसमें क्या होता है, जो स्लम एरिया होता है ना, वो आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन के आसपास होता है। ऐसा क्यों होता है, क्या एक रीज़न है इसके पीछे, अगर आपको किसी को मतलब पता है कि जो ऐसा इसके पीछे क्या रीज़न है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ ताकि मुझे भी पता लग जाए। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, देखो आप, जिस ये सारा ना स्लम्स वाला एरिया है ना, देख पा रहे हो आप वीडियो में जो पीछे वाला ये, और ये सारी ना अवैध ज़मीन होती है एक्चुअली,
ये मतलब रजिस्ट्री वगैरह आप इसकी कुछ नहीं कर सकते, लोगों ने इतने बड़े बड़े पक्के मकान बनाए हैं, तो इसके पीछे रीज़न क्या है गाइस बताओ, ताकि मुझे भी पता लगे, और अगर आपके शहर में भी ऐसा कुछ है तो बताओ। One eternity later. एक घंटा हो गया खड़े खड़े, अभी ट्रेन तो नहीं आई, बट उस वाले प्लेटफॉर्म में एक ट्रेन आ रही है, ये वाली, और जो हम लोगों की ट्रेन आनी है वो आनी है इधर की तरफ से, यहाँ से कुछ नहीं आ रहा है, तो माइट भी 10 बजे के लमसम आ जाएगी, 10 बजे देखते हैं क्या। सो फाइनली एक घंटा वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ गई है, और ये रही हमारी ट्रेन की लाइट, सीधे जाके मिलता हूँ ट्रेन पे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, पहुँच चुका हूँ मैं रेलवे स्टेशन पे, और सामने खड़ी हमारी गाड़ी, फुट ओवर ब्रिज पे खड़ा हुआ थक गया, ये वाली ट्रेन में आए थे हम लोग, अभी फुट ओवर ब्रिज से मैं जा रहा हूँ और जाके सामने वाले ब्रिज से उतरूंगा, तो मिलते हैं नीचे जाके। तो राइट गाइस, पहुँच गया हूँ मैं, थोड़ा सा फ्रेश व्रेश हो लेता हूँ, मुँह हाथ धो लेता हूँ, फिर मिलता हूँ, ब्रश व्रश भी नहीं किया, ब्रश भी कर लेता हूँ। तो अभी थोड़ा सा भूख लग रही है, तो मम्मी ने कुछ खाने का भेजा है, वो खा लेता हूँ, दिखाता हूँ। ये मम्मी ने घर पे भेजा है खाने के लिए, ये खा लेता हूँ, फिर निकलता हूँ बाहर स्टेशन से चाय वाय पी के। राइट गाइस, चाय पीने का टाइम हो गया है, चाय ले ली हमने, और अब चलते हैं सीधा बाहर उस तरफ। गाइस, होटल की लोकेशन आ चुकी है, मैं सीधे जा रहा हूँ लोकेशन पे, भैया लेके जा रहे हैं मुझे, और यहाँ से 4-5 किलोमीटर है, सीधा होटल पे जाके चेक इन कर लेता हूँ, फ्रेश हो लेता हूँ, और फिर निकलेंगे सीधा खाना खाने। सो ऑलराइट गाइस, पहुँच चुका हूँ मैं होटल पे, और ये है हमारा होटल आज का, अंदर जाता हूँ चेक इन करता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको रूम, पहले अंदर जाकर चेक इन कर लूँ। सो फाइनली थोड़ा वेट करना पड़ा, बट रूम मिल गया है, और अभी जा रहे हैं लिफ्ट से, चलते हैं सेकंड फ्लोर पर जा रहे हैं हमें। सो रूम पे जाता हूँ, चेक इन करता हूँ, और फिर उसके बाद थोड़ा सा नहा धो के फ्रेश होके फिर मिलता हूँ आपसे। रूम नंबर इज 205, चेक इन कर लेते हैं। बालकनी भी है, दिखाता हूँ। लाइट्स ऑन कर लेते हैं। तो पहुंच गए हैं, थोड़ा सा थक गया हूं मैं, लंच वगैरह करने चले जाएंगे अभी नीचे, वो लेने आएंगे मुझे, उन्होंने बोला है, फिर मिलता हूं आपसे, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू से बाय, टायर्ड। सो गुड इवनिंग गाइस, अभी सो के उठा हूं, 3:20 हो रहे हैं, और टीवी चला रह गया, ये मैं सो गया था, और मैंने भूख भी लग रही थी, और पानी की बॉटल भी ख़त्म हो गई, पानी जो लिया था
तो मैंने रूम सर्विस में बोल दिया लंच के लिए और पानी के लिए थोड़ी देर में आ जाएगा, लंच कर लेते हैं, तब तक शायद सागर भाई, युगम भाई और बड्डी भाई लोग भी पहुंच जाएंगे, फिर सीधा जाएंगे साउंड चेक के लिए वेन्यू पे, और वो लोग भी थोड़ा रेस्ट करेंगे, समय अराउंड 6 बजे निकलेंगे, फिर लंच वंच करके फिर उसके बाद साउंड चेक करने चले जाएंगे, फिर मिलते हैं, सॉरी वहीं जाके, सी यू बाय। सो ऑल राइट गाइज, लंच आ चुका है, मैंने एक कोक भी मंगा ली थी अपने लिए, और मैंने लंच में मंगाया है राइस और येल्लो वाली दाल, ऑल टाइम फेवरेट मेरी, तो लंच कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में लंच करने के बाद। लंच करके फिर उसके बाद मैंने नहा वगैरह भी लिया है, पूरा रेडी हो गया हूँ ऑलमोस्ट नहा धो के, अभी बाल थोड़े से गीले हैं तो बाल सुखाने के लिए ड्रायर तो है नहीं, बट सूख जाएंगे कोई नहीं, तो डिनर कर लेते हैं, सॉरी लंच कर लेते हैं, लंच करने के बाद मिलते हैं फिर आपसे। सो गाइज, अभी आने वाले हैं प्रवीण भैया, मैं आज उनसे मिल रहा हूँ 2015 के बाद, तो आपको भी मिलाता हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, वो बहुत ही मस्त हैं, हमारी इतनी हेल्प की उन्होंने, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे एज अ बड़े भाई की तरह एज अ मेंटोर, हमारी बहुत हेल्प की है, मेरी रवि की, हम लोग साथ में रहते थे, बहुत मज़ा आने वाला है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आपको भी मिलाता हूँ उनसे। सो ऑल राइट गाइज, भैया आ चुके हैं। हेलो, कितने साल बाद मिल रहे हैं? आज 7 साल बाद मिल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, छोटा भाई ये मेरा और बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे मिलने की, बीच में टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन कल मैंग का फोन आया, इसने बताया कि वो आ रहे हैं, तो मैं भी बड़ा एक्साइटेड था सुबह से ही आज कि मैग आ रहा है मिलने के लिए, और आगे मैग बताएगा कैसा लग रहा है मिलके आज। बहुत मजा आ रहा है भैया से मिलके, मतलब क्या ही बताऊं, मतलब वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, आप सोचो 5-7 साल बाद मैं मिल रहा हूँ, 5-7 साल पहले मैं भी अलग था और भैया भी मतलब अलग थे, मतलब सोच तो एक जैसी थी, बट होता है कि यार टाइम के साथ ना चीजें बदल जाती हैं बहुत सारी, तो वही है, मैंने कहा यार मिलते हैं, और भैया का भी चैनल है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना भैया के चैनल को, बहुत अच्छा चैनल है, मतलब अच्छी खासी फैमिली का है, 30,000 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। और मैं जब पहले मिला था तो उस समय बहुत अलग था, अब बहुत चेंज आ गया है जब देहरादून में मिले थे हम इनको, तो उस समय एक बार हम इसको कहना झूठ बोल गए मार्केट, ये बोल के कि मार्केट जा रहे हैं, और मार्केट से सीधा फिर मसूरी ले गए थे, और अगले दिन इनका प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल इनका छुड़ा दिया था हमने वो तो मेरे मतलब लाइफ का सबसे खतरनाक मोमेंट था, भैया ने बोला कि चलो भाई खाने चल रहे हैं रसगुल्ले कुमार के, वहाँ पे प्रेम नगर में, तो उधर नहीं मिले भैया, बोले अरे यहाँ नहीं मिले, चलो घंटाघर मिलेंगे, घंटाघर गए वहां पे नहीं मिले, भैया वहां से ले गए, और ठंड में मैं ठिठुर रहा हूँ खतरनाक तरीके से, मैं और रवि भाई, और बहुत मस्त मूवमेंट था, लोअर टी शर्ट में दे दी सुबह, और मैंने पहले ही प्रोग्राम बना लिया था कि देहरादून नहीं जाना, इनको नहीं पता था मसूरी जाना, आपको कुछ प्लान पता ही नहीं है, हम लोग बस पहले इनको बोल के चले कि प्रेम नगर चलना है, फिर घंटाघर चलना है, फिर उसके बाद डियर पार्क से हाथी बर्ड क्लब, फिर मसूरी और अगले दिन प्रैक्टिकल था भाई का लेकिन मजा आया, बहुत मस्त लगा आपसे मिलके, अब देखते हैं कब आते हैं वापसी, आप आते हैं? हाँ बिल्कुल, अब यही विचार है, जल्दी प्लान कर रहे हैं हम लोग, बहुत जल्दी एक व्लॉग बढ़िया साथ में, एक व्लॉग बनाएंगे सब फ्रेंड लोग के साथ, देखते हैं जल्दी चैनल स्टार्ट करेंगे, चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, साउंड चेक भी करने जाना है। सो ऑलराइट गाइस, साउंड चेक के लिए फोन आ गया है, तो भैया मुझे ड्रॉप कर देंगे वहां तक, और साउंड चेक कर लेते फिर वापसी आऊंगा मैं, और चेंज वेंज तभी करूंगा, तो अभी उन लोगों को भी लेट हो गया है, तो सीधे चलते हैं मेन्यू पे और वहीं साउंड चेक करते हैं। ऑलराइट गाइस, मैं पहुंच चुका हूं, और वहाँ खड़े हैं युगम भाई, ये देखो, हाँ
चल रही है बकचोदिया बंटी भाई की। ये पड़ा है ढोल, ये पड़ा है तबला, तबला भी बजेगा आज। और ये पड़े हैं दो मृदंग, मृदंग वाले भाई भी आए हुए हैं हमारे साथ दो। और ये पड़ी है हमारी रानी, और भाई साहब ये फैंटम G6। आपका इंस्ट्रूमेंट क्या है? अच्छा आपका ढोल है। सो भाई ये है प्रोसेसर पैच नंबर 1, 2, 3 और 4, ये 4 पैचेस हैं। अब पैच नंबर जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे है फर्स्ट क्लीन, अभी बी पे हूँ मैं, मतलब सेकंड वाले पे हूँ। तो चारों के अंदर, सबके अंदर एक एक के अंदर 4 पैच हैं। जैसे मान लो ये अप एंड डाउन जाने वाली कीज़ हैं ये, और ए के अंदर 4 पैच हैं। मैं सबसे तगड़ी चीज़ पता है क्या है, आप ना इन 1, 2, 3, 4 ये 4 पैच हैं ए के अंदर, ठीक है। इफ़ेक्ट लगा सकते हो आप इसमें, कुछ भी रिवर्ब डिले कुछ भी इफ़ेक्ट लगा सकते हो, है ना। फिर दूसरे में भी 4 होंगे, ठीक है। फिर तीसरे में भी 1, 2, 3, 4, चौथे में 1, 2, 3, 4, ऐसे करके सब में 4 पैच हैं। ये है लूपर, इसको दबा के रहेंगे तो लूपर बना के आप कुछ भी मतलब रिकॉर्ड करके फिर उस पर वो कर सकते हो। और इसको कंटिन्यू टैप करके दबाए रखेंगे तो ये खुल जाएगा ट्यूनर। और अच्छी बात इस ट्यूनर की ये है कि 440 फ्रीक्वेंसी में, और इसको फ्रीक्वेंसी भी आप डाउन कर सकते हो आप, ये बढ़िया है। और ये है पैडल, ये है नॉब्स इसके प्री एम्प सेटिंग के, एम्प में जो भी इफेक्ट आपको डालना है बढ़िया है उसके लिए। सो ऑलराइट गाइस, साउंड चेक के लिए ऊपर आ गए हैं, साउंड चेक चल रहा है, देख पा रहे हो सब साउंड वाउंड सब रेडी हो गए हैं। फैंटम 6 तगड़ा की बोर्ड है ये। सो ऑलराइट गाइस, फाइनली शो ख़त्म होने के बाद मैं सीधा निकल गया था घर, क्योंकि मैं हो गया था बहुत ज़्यादा लेट। तो मेरी जो ट्रेन थी वो भी होपफुली लेट थी थोड़ा सा, तो इसलिए डायरेक्ट मैं घर निकल गया। होप करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ तक वीडियो पूरा देखा है तो बिना लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं जल्दी से बड़ी सी वीडियो में, टिल देन बाय बाय। Get on my head.